व्हाट इज अप गाइस, मेरा नाम है उस्मान। आप जैसा कि देख रहे हैं, हम बहुत देर के बाद ये वीडियो बना रहे हैं क्योंकि हम थोड़ा बिजी चल रहा था, हमारे शेड्यूल कुछ काम चल रहा था, कुछ वीडियो पर काम चल रहा था, कुछ फोटोग्राफी के रिलेटेड भी काम चल रहा था और स्कूल का कॉलेज का और हमारे जो कॉलेज का काम वो मिला है, असाइनमेंट्स वगैरह भी बना रहे थे, तो वो भी इसी वजह से वीडियो लेट हो चुकी है। और आज हमारे पास एक ऐसा रिव्यू करने वाले हैं जिसको मैं शुरू से ही चाहता था कि मैं उसका रिव्यू करूँ, एंड आई वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट रिव्यू। सो फॉर दैट वी हैव थ्री बॉक्सेस, हमारे पास तीन डब्बे आ चुके हैं, आप जैसा कि देख रहे हैं, एक नहीं दो नहीं पूरे के पूरे तीन डिब्बे आ चुके हैं हमारे पास। तो अभी तो आपको पता ही चल गया होगा कि क्या है ये, दीज आर द सेगा स्पोर्ट्स, यू नो ये शूज हमारे आए हैं सेगा स्पोर्ट्स की तरफ से, जो कि प्रोडक्ट है स्टार इफेक्ट का, तो उसी का आज मैं रिव्यू करूंगा। जो उनके नए शूज आए हैं जिनका नाम है रनर, जो कि एक मिलिट्री ग्रेड है और आपको बजट के अंदर आपके आपको फॉर द बेस्ट वैल्यू देंगे आपको। सो लेट्स गेट स्टार्ट। जैसा कि देख रहे हैं कि मैं आपको कहा था कि वीडियो है जो ये शूज के ऊपर रिव्यू घूमेगा, तो मैं आपको फुल रिव्यू दूंगा उसका। सबसे पहले हम बात करेंगे उसकी बिल्ड क्वालिटी, कि बिल्ड क्वालिटी कैसी है, देन वी टॉक अबाउट कि उसका कंफर्ट लेवल कितना है, क्या ऐसी चीज उसमें लगी है जिससे उसको कंफर्ट मिलता है, एंड उसके बाद मैं बात करूंगा आपके पास एक्सपीरियंस कि आपको जो शूज है उसका ओवरऑल एक्सपीरियंस आपको कैसा मिलता है पहनने के बाद, एंड एट द एंड मैं आपको बताऊंगा कंक्लूजन कि आपको ये वर्थ इट करते हैं या नहीं करते हैं, तो उसी के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं हम इसका बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो पहले मैं अनबॉक्सिंग करके दिखा दूंगा आपको। अनबॉक्सिंग कुछ खास नहीं मेरे पास है, ब्लैक कलर में आते हैं ये, ऐसे अगर आप लेंगे तो आपको ऐसे मिलेंगे। ये है हमारे पास ब्राउनिश कलर जो मेरे फेवरेट है, ब्राउन कलर के शूज, ये 8 नंबर मेरे को भेजे गए हैं। अब आपको चुटकी बजा के दिखा देंगे सारे शूज, तो ये है हमारे पास शूज। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ इसकी बिल्ड क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी में क्या है। जैसे ये शूज देख रहे हैं आप, जो भी ये शूज आप जो भी है, सबसे पहले बात करूंगा कि बिल्ड क्वालिटी के शूज कैसा है। सबसे पहले इसकी मैं बात करता हूँ कि ये बना किस किस के हुआ है। जो ये अपर आप देख रहे हैं ये एक लेमिनेटेड है, जो कि आपको अपर सेमी सिंथेटिक है, लेदर मिलता है आपको विद लेमिनेटेड पाइलॉन टेक्नोलॉजी के साथ मिलता है, जो कि लंबे टाइम तक आपके पास ये टिकेगा। और इसमें जो ये वेंट्स मिलते हैं आपको, जो ये मैश मिलती है, ये पूरी लेमिनेटेड है। और इससे क्या फायदा होता है, जब आप चलते हैं रनिंग करते हैं तो आपको यहाँ से एयर अंदर पास होती रहती है और आपको स्वेट कम आती है। जैसे अभी हमको बहुत स्वेट आ रही है क्योंकि पंखा बंद है, अगर पंखा ऑन कर लेते तो नॉइज ज़्यादा आती। तो वही बता रहा हूँ कि अगर आप इसको पहनेंगे तो आपको ये मैच से ये काम आपको आसान हो जाएगा, आपको अंदर एयर अच्छे से जाएगी और एक पूरा वेंटिलेशन का काम करेगा। दूसरी जो बात है वो इसका सोल है, जो ये सोल है ये एक ऐसा एकमात्र इंडिया में शूज आपको मिलेगा, एक ऐसी मात्र कंपनी मिलेगी आई थिंक जो आपको रबर सोल प्रोवाइड करती है विद द प्राइस ऑफ 600 to 700 इवन इन 500। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, आपको रबर सोल कोई कंपनी प्रोवाइड नहीं कर सकती इतने कम बजट में। रबर सोल है हमारे पास जो कि पाइलॉन मैश टेक्नोलॉजी है। बेसिकली अगर आप बिल्ड क्वालिटी के मैं बारे में बात करूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं वेरी लाइट वेट है ये, और ये इतने 360 degree तक ये मुड़ जाते हैं एज यू कैन सी। और जब आप पहनेंगे देन यू विल रियलाइज कि हाँ जो ये मैं बात बोल रहा हूँ, जो ये बात मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल खरी उतरेगी। और जो लेसिस की क्वालिटी है दे आर प्रेटी मच नाइस,
और देख सकते हैं आप अंदर आपको जो इनके पैड्स मिलते हैं वो भी बड़े अच्छे हैं, और आपको हल्की सी मेमोरी फोम भी मिल जाती है जो कि आपको सस्पेंशन में काम आएगी, जैसा कि आप वीडियो देख रहे हैं। आप देख ही रहे कि बिल्ड क्वालिटी इनकी, मैं आपको इसको मैं नंबर देना चाहूंगा 10/10, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी प्राइस के हिसाब से परफेक्ट है। क्योंकि अगर आप कोई भी चीज लेना चाहते हैं तो आप उसको कंपैरेटिवली प्राइस के साथ कंपेयर करके देखें, तो जब आप कंपेयर करेंगे देन यू विल रियलाइज कि ये खरे उतरेंगे आपको अगर आप इस पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो ये बात थी बिल्ड क्वालिटी के बारे में। अब नेक्स्ट बात करता हूँ, वो मैं बात करता हूँ इसके ऊपर करूंगा, वो है इसका कम्फर्ट लेवल। जैसा कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में, मैंने ये शूज़ इसको मैंने इस कंपनी के साथ जुड़े हैं मुझे को 10 साल हो गए हैं, और उस जब ये पहला शूज़ आया था उसका कंफर्टेबल बहुत कम था, और ये इतने ज़्यादा इवॉल्व हो चुके हैं। आज जब मैं इसको पहनता हूँ अपने न्यू बैलेंस के साथ, रेड टेप के साथ, रीबॉक्स के साथ डालता हूँ, देन मुझे पता चलता है कि इनका कंफर्टेबल कितना हाई है, कंपेरेटिवली उनको ये बीट करने की कोशिश कर रहा है इस प्राइस में। तो बड़ी बात है ना, आपको एडिडास का टक्कर मिल रहा है 600-700 के अंदर, देन बात तो बनती है। तो यही बात कर रहा हूँ, कंफर्टेबल में मैं इनको 10/10 देना चाहूंगा। मैं ये मत सोचे कि मेरे पास ये शूज गए तो इनका मैं कर रहा हूँ, ये मेरा रियल लाइफ है, मुझे 10 साल हो गए इस कंपनी के साथ जुड़े हुए। तो वही मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो इनका कंफर्ट लेवल है वो प्रेटी मच नाइस है। अगर आप इनको लॉन्ग समय तक यूज करते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, जब आप चलते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसकी खास बात ये है, जो ये इनका कंफर्ट लेवल की बात है, कोई भी एज हो, चाहे वो छोटे बच्चे हो, चाहे वो एक यंग बंदा हो या एक बूढ़ा बंदा हो, तो कोई भी इन्हें डालकर चल सकता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लाइट वेट है और बड़े ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है। सो कंफर्ट लेवल 10/10 देना चाहूंगा। और नेक्स्ट बात करते हैं, ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या है मेरा रहा इन शूज के साथ। मैंने ये शूज को रनिंग के लिए स्पेशली यूज कर रहा था, इनका नाम है रनर मिलिट्री ग्रेड शूज है जो ये मैं लगभग मुझे हो गया है, ये पहले ही ये रिलीज नहीं हुए थे तो मुझे पहले ही आ चुके थे ताकि मैंने रिव्यू बनाना था। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे थे कि मैं बात कर रहा था ओवरऑल एक्सपीरियंस की, तो मुझे ये सेम शूज अभी तक ये रिलीज नहीं हुआ, अभी ये रिलीज हुए मुझे 4 महीने हो गए मेरे पास, ये पहले से रिव्यू के लिए आ गए थे। तो मैं जो ये आपको रिव्यू दे रहा हूँ ये कुछ ऐसा नहीं है कि कल शूज मिले आज रिव्यू दे रहा हूँ, ये मेरे पास 4 महीने पहले से, मैं हॉस्टल में यूज करता था, मैं सवेरे जब रनिंग के लिए जाता था, जब जॉगिंग के लिए जाता था तो मैं इनको यूज करता था, और मुझे 4 महीने हो गए हैं उसके बाद ये रिव्यू बना रहा हूँ। तो मुझे ये फाइनलाइज हुआ कि इनका जो कंफर्ट लेवल है, जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है, वो आप ये एडिडास नाइकी जो बड़े ब्रांड है जैसे न्यू बैलेंस में यूज करता हूँ तो उनसे ये कम्पीट करता है इस प्राइस के हिसाब से, तो ये बड़ी बात हो गई है। और जब मैं इनको लॉन्ग टर्मली यूज करता हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आती, कोई ऐसी टेक्निकली इशू नहीं आ रहा मुझे शूज के साथ, कोई सोल के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, कोई लेसिस के साथ प्रॉब्लम नहीं आ रही, कोई वेंटिलेशन में दिक्कत नहीं आ रही। तो यही मैं बता रहा हूँ कि ओवरऑल एक्सपीरियंस 10/10 देना चाहूंगा। तो तीनों में मुझे बिल्ड क्वालिटी, ओवरऑल एक्सपीरियंस और कंफर्ट लेवल में 10/10 देना चाह रहा हूँ। तो ये कोई बात ही अभी तक मैंने जो ये रिव्यू किया, ये पहला रिव्यू जिसमें मैं 10/10 दिए हैं। और अगली मैं बात करता हूँ वो है फाइनल के कंक्लूजन की, आपको जो ये मेरे पास आ चुके हैं जो ये रनर शूज हैं फ्रॉम स्टार इंपैक्ट यानी कि सेगर की तरफ से जो आते हैं, ये आपको वर्थ इट करते हैं या नहीं करते हैं? जी हाँ, अगर आप शूज लेना चाहते हैं तो एक बार मेरे कहने पे ये शूज ऑर्डर करें, आपको ये फ्लिपकार्ट अमेजोन सेगा स्पोर्ट्स के ऑफिशियल साइट पे मिल जाएंगे, और अब आप तो ये ऑफलाइन स्टोर्स भी अब तो ओपन हो चुके हैं तो मिल जाएंगे, तो आप इनको आप यूज कर सकते हैं। अगर आपने एक बात नोट की होगी कि आपको मैंने आउटडोर शॉर्ट्स शूज के नहीं दिखाए, ड्यू टू लॉकडाउन हमने ये शॉर्ट्स नहीं दिखाए, गर्मी बहुत है क्योंकि पंखा बंद है, नॉइज ज्यादा आ जाएगी अगर पंखा ऑन कर दिया। तो फाइनली करता हूँ इस रिव्यू को एंड करते हुए कंक्लूजन कि आप इसको जरूर बाय करें, एक बार जरूर ट्राई करें, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि यही वाले शूज एक बार ऑर्डर करके देखें जिनका नाम है मैराथन रनर। तो दोस्तों जो रिव्यू है इसको फाइनली मैं करता हूँ कि अगर आपको मेरे कहने पे आप ये शूज खरीद लें और सेगा के स्पेशली रनर एक बार देखे देखे, रनर मैराथन दोनों में से ये फुल नाम होगा, मैराथन रनर होगा या अकेला रनर होगा, ये मिलिट्री ग्रेड है, मिलिट्री को इंडियन मिलिट्री को भी प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वही है, आप जरूर एक बार ट्राई करके देखें। और बाद में आपको आकर मेरी वीडियो पे कमेंट जरूर करना पड़ेगा क्योंकि आपको रिव्यू वहां पे पता ही चल जाएगा, आपको अपना रिव्यू भी देना होगा। तो फाइनली प्लीज बाय करें, एक बार ट्राई तो करके देखें, क्योंकि जब आप ट्राई करेंगे कोई भी चीज को देन यू विल गेट योर एक्सपीरियंस। तो दोस्तों एक चीज रह गई कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आए, और आई थिंक ये हमारा आउट ऑफ द बॉक्स वीडियो भी हो सकता है क्योंकि हमने पहली बार एक शूज का रिव्यू किया है। सो आई थिंक आपको अच्छा लग रहा हो, एक बार ट्राई करके देखेंगे शूज, आपको लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट पे आसानी से मिल जाते हैं और सेगा स्पोर्ट्स की साइट में, और अब तो पूरे इंडिया में भी इनके आउटलेट्स हैं तो आप जा सकते हैं खरीद सकते हैं, और
और एक बात स्टार इफेक्ट के बता दूं, ये इंडिया की एकमात्र ऐसी कंपनी है जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करती है शूज के मामले में। जी हाँ, नाइकी एडिडास सबको मिल करते हैं इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह, और ये आप सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चर करते हैं शूज, और इनके टारगेट आप और ज्यादा बढ़ रहे हैं, और इनकी एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो यही है दोस्तों, अगर आपका बजट 700-800 के अंदर, 1000 के अंदर आता है, तो डेफिनेटली आप इन शूज को बाय करें, और प्लीज बाय करें, बाय पीस अल्हम्दुलिल्लाह।